वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज 10+1 फिजिक्स चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन मतलब जब दो या तीन या चार मासेस को आपस में कोई वायर से, किसी थ्रेड से, किसी रोप्स के थ्रू, किसी केबल के थ्रू, जैसे लिफ्ट हो गई, लिफ्ट को केबल के थ्रू कनेक्ट किया होता है, यानी जो फोर्स हमें मिलना है उस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, वो किसी रोप, किसी वायर, किसी केबल के थ्रू मिलेगा, और वो केबल जो है वो टाइट होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि एक आगे कार जा रही है, उसने पीछे वाली कार को खींचना है और रस्सी यूं पड़ी है, वो रस्सी टाइट होगी ऐसे, तभी खींच पाएगी ना। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स देते हैं थ्रू सम कनेक्शन, थ्रू सम वायर, थ्रू सम रोप, थ्रू सम केबल, उसको नाम देंगे कनेक्टेड मोशन। बहुत सिंपल सा वर्ड है ना। तो कनेक्टेड मोशन में दो चीजों के बीच में फोर्सेस का एक्सचेंज होगा, फोर्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर होगी थ्रू सम कनेक्शन, कनेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ वायर, इन द फॉर्म ऑफ अ रोप, इन द फॉर्म ऑफ अ केबल। उससे जो फोर्स ट्रांसफर होगा दूसरे ऑब्जेक्ट को, उसके लिए नाम दिया गया है कनेक्टेड मोशन। ओके, कनेक्टेड मोशन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इशू है जो आपको याद रखना है, ये पॉइंट बार बार यूज होगा, तो पहले जो सिंपल इसमें लॉजिक्स हैं पहले वो समझ लें, फिर क्वेश्चन तो बेटा यूं यूं निकल जाएंगे, क्वेश्चन में कोई पंगा नहीं है। क्वेश्चन के बेसिक्स समझो बेटा। अगर बिल्डिंग की ना फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बिल्डिंग स्ट्रांग है। तो अभी जो शुरू शुरू में कराऊंगा सारा वो फाउंडेशन है, फाउंडेशन को बेटा मजबूत करिए, बाकी फिर क्वेश्चन तो निकल जाए, क्वेश्चन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, मासिस चाहे दो की जगह तीन हो, चाहे चार हो, बीच में पुलिस भी आ जाएंगी, कुछ भी हो, आपके जो बेसिक्स हैं पहले वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक क्लियर है क्वेश्चन बेटा चुटकी में निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस टू में जाके भी यूज होगा, प्लस वन में तो बार बार यूज होगा, वो है टेंशन। टेंशन जो वर्ड है, एक बड़ा सरफेस टेंशन भी होती है, उससे मत उलझा देना इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन जो है, टेंशन इज अ फोर्स। टेंशन फोर्स ही होता है। इसके जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो समझ लीजिए। टेंशन जो है वो हमेशा पेयर में होगी, स्लो चलूंगा बिल्कुल ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पहले क्लियर हो जाए। टेंशन वुड ऑलवेज अकर इन पेयर, सिंगल नहीं होती बेटा। वैसे भी आपको बताया हुआ है दुनिया की कोई भी फोर्स सिंगल फोर्स नहीं है। अगर इस वायर को अंडर टेंशन लाना है, इसको टाइट करना है, तो आपको दो फोर्स चाहिए। एक फोर्स इधर को लगाओगे और एक इधर को लगाओगे, तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा। हाँ, फोर्स जो मैंने लगाया हाथ से, वो मैंने राइट को लगाया यहां पे, लेकिन मेरा हाथ राइट को थोड़ी जा रहा है, तो यहां पे एक टेंशन है जो कि लेफ्ट की ओर है। आपकी तरफ से देखें, आपकी तरफ से देखें तो ये वाला साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो आपके आपकी साइड से बात करता हूं, अगर मैं इस वाले पार्ट को राइट, अपने मेरी तरफ से राइट है, आपकी तरफ से लेफ्ट है, आपकी तरफ से बात करते हैं, लेफ्ट को खींचता हूं, आपकी तरफ से लेफ्ट को खींचता हूं, तो यहां पे एक टेंशन का फोर्स है जो कि मेरे हाथ को पीछे नहीं जाने दे रहा, मैं ट्राई कर रहा हूं, तो वो टेंशन का डायरेक्शन बेटा आपकी तरफ से देखे तो राइट हैंड साइड को है। मैंने खींचा लेफ्ट को, टेंशन डेवलप हुई राइट को, और ये वाला हाथ आपकी साइड से देखें तो ये राइट हैंड साइड को जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पे टेंशन जो कि लेफ्ट हैंड साइड को है वो इसको जाने नहीं दे रही। नटशेल में बात करें सिंपल, कि अगर एक कार ने दूसरी कार को पुल करना है, ये कार का बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, इस कार ने
पीछे वाले व्हीकल को, लेट अस से एक जीप है, उसको बेटा खींचना था, टो करना था। टो जानते हैं ना, TOW। टो करना मतलब खींच के ले जाना, जो गाड़ी खराब हो जाती है। तो इस वायर में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, तो ये टेंशन, ये वाली गाड़ी जाना चाहती है आगे, टेंशन उसको जाने से रोकेगी, नो डाउट। टेंशन अब उतना नहीं है, गाड़ी का फोर्स ज्यादा था, टेंशन का फोर्स कम था, तो कोई बात नहीं, गाड़ी चलेगी आगे को। और उतना ही टेंशन यहां पे भी क्रिएट होना है, इसको मैं अभी टी लिख देता हूं, इसको टी लिख देता हूं। ये दोनों टेंशन्स दो ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करती हैं, आगे वाली गाड़ी को यही टेंशन पीछे खींचता है, पीछे वाली गाड़ी को यही टेंशन आगे खींचता है, लेकिन पीछे वाली गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, उसके इंजन में कोई जान नहीं है, तो पीछे वाली गाड़ी को सोल फोर्स जो आगे पुल कर पाती है वो है टी ओनली। पीछे वाली गाड़ी को सिर्फ टेंशन खींच रही है, आगे वाली गाड़ी पे दो फोर्स है एट प्रेजेंट। एक फोर्स तो जो इंजन ने लगाना है आगे को, जिससे गाड़ी भागती है, एक फोर्स पीछे को है, वो है फोर्स ऑफ टेंशन। तो ये टेंशन इस गाड़ी को आराम से चलने नहीं देगी। आप देख लेना, जिस दिन बेटा गाड़ी ऐसे है, टो करने के लिए एक हम बीच में केबल डाल लेते हैं, रस्सी डाल लेते हैं, तो ये व्हीकल ने ना पीछे अपना ब्लिंकर ऑन किया होता है, पार्किंग लाइट, ये बताने के लिए कि ये नॉर्मल गाड़ी नहीं है, ये उस तरह से नहीं भागेगी जिस तरह आपकी गाड़ी भाग रही है। ब्लिंकर इसलिए क्योंकि ये धीरे धीरे चलेगी और ये साइड में चलेंगे और दे आपको इंडिकेटर दे रहे हैं कि आप निकल जाओ, हम तो भाई इस तरह से रोड रोलर की मस्त चाल चलेंगे। हम तो ये तेज नहीं भाग पाएगी, तेज इसलिए नहीं भाग पाएगी कि अगर मैं ये रस्सी काट दूं ना, तो ये पीछे वाला फोर्स हट जाएगा, पीछे का फोर्स हट जाएगा, तो ये गाड़ी है इंडिपेंडेंट, इसको पीछे कोई नहीं खींच रहा, ये आराम से भागेगी, तेज तेज भागेगी। बट जब आप जोड़ देते हो इस तरह से, ज्वाइन कर देते हो, तो पीछे वाली गाड़ी को खींचने के लिए जो फॉरवर्ड फोर्स चाहिए, उतना ही फोर्स इस गाड़ी पे बैकवर्ड लग जाता है थ्रू टेंशन। एज अ रिजल्ट आगे वाली गाड़ी भी नहीं तेज भाग पाएगी, तो स्लो ही चलेगी बेटा, बहुत तेज नहीं चलती है। अगर इस तरह बांधने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो कोई कोई बच्चों को लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, फिर एक काम करते हैं, इसके पीछे एक और गाड़ी लगा लेते हैं, उसके पीछे एक और गाड़ी लगा लेते हैं, फिर तो ऐसा करते पूरी एक मालगाड़ी बना लेते हैं बेटा, 1 किलोमीटर लॉन्ग, उसको ये कार खींच पाएगी क्या? नहीं। ये टेंशन 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 बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टेंशन जो इस गाड़ी ने आगे को फोर्स एक्सपीरियंस करना था इंजन से, उससे ज्यादा फोर्स पीछे को लग रही है, तो बेटा ये आगे को जा ही नहीं पाएगी बेचारी। फिर गाड़ी में बेटा इंजन थोड़ी लगाना है, फिर तो हम रेलवे में बेटा एक कार यूज करेंगे, कार को भगाएंगे आगे, आगे पूरी ट्रेन को वो खींच के ले जाएगी। ठीक है सर, कह रहे मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये फिजिक्स का ट्रुथ है। ओके, पहला पॉइंट समझ आ गया आपको, टेंशन मैंने बताया, टेंशन इज अ फोर्स। सेकेंड इश्यू मैंने बताया, टेंशन जो है वो हमेशा पेयर में होगी, हमेशा दो फोर्स लगेंगे। अगला पॉइंट आपने याद रखना है, टेंशन ऑलवेज पुल्स लिखना है बेटा, टेंशन ऑलवेज पुल्स। बेटा यू नो द डिफरेंस बिटवीन पुल एंड पुश, ये एक बॉक्स है, ऑब्जेक्ट है, अगर मैं बात करता हूं आई हैव टू पुल इट, तो पुल का मतलब है मैं इसको इधर को खींचूंगा, ये पुल हो गया। पुश मतलब उधर को धक्का देना है ना, पीछे से आगे को पुश करना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, जो मैंने टेंशन के फोर्सेस ड्रॉ किए हैं, ये टेंशन जो गाड़ी आगे है उसको पीछे पुल कर रही है, और यही टेंशन इस गाड़ी को आगे पुल कर रही है।
So that is what I told. Tension always pulls. Very important point. छोटी छोटी बातें हैं और जैसे जैसे हम ना आगे बढ़ते जाएंगे ये आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएंगी, फिर इन फ्यूचर आपको नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं पहले पैडल भी देखते रहते हैं, कई बच्चे पैडल मारते मारते ना नीचे को आगे देखते नहीं है, नीचे देखते रहते हैं, बाद में धीरे धीरे बॉडी बिकम्स यूज टू, उसके बाद फिर लगता है कि बस बातें करते करते बेटा घर पहुंच गए साइकिल पे, फिर यू नेवर टेक केयर के पैडल कहाँ था, ब्रेक कितनी दबानी है, फिर आप बॉडी उससे अडेप्ट हो जाती है। उसी तरह बेटा आज टॉपिक नया है, आज चीज़ें छोटी छोटी हैं समझ लो, और उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे, फिर आपको पहले से याद होगा कि दो वैक्टर होंगे यहाँ पे अंदर को होंगे, सर ने बताया था टेंशन पुल्स, फिर आप बार बार इनको पॉइंट्स को याद नहीं करोगे कि कैसे कैसे करना था, फिर आपको हैबिट हो जाएगी, आदत बन जाएगी। फिजिक्स करने का मजा यही है कि बेटा आपको फिजिक्स में अच्छी चीज़ों की हैबिट हो जाती है, हैबिट हो जाती है। जैसे मान लो आपने अभी लॉकडाउन की कंडीशन थी, झाड़ू पोछा लगाना था मान लो मम्मा के साथ ना, काम वाली तो आई नहीं, मेट आई नहीं, तो फिर पहले पहले मम्मा ने सिखाया भाई झाड़ू जो है वो खड़े होके झाड़ू आगे की तरफ को लगाते हैं कि कूड़ा आगे आगे चलता रहे और आप उसके पीछे भी चलते रहें, बट पोछा लगाते टाइम उल्टा चलना पड़ता है, पोछा जो है जहाँ पे लगाएंगे उसके ऊपर खुद नहीं चढ़ना, तो पोछा लगाते हुए पीछे पीछे को आना पड़ता है। सारे बच्चे अब तो एक्सपर्ट हो गए हैं, मम्मा ने सबको एक्सपर्ट कर दिया है ना। अब आप जब 10 बार पोछा लगा चुके हैं उसके बाद थोड़ी आप सोचते हैं कि किधर को चलना था मुझे, भूल थोड़ी जाएंगे, देन इट बिकम्स अ हैबिट। तो सेम वे बेटा टेंशन के जो पॉइंट्स हैं बस वो माइंड में बिठा लो, 1-2-3 क्वेश्चन करोगे, देन इट बिकम्स अ हैबिट, तो आप अपने आप लिख दोगे कि इधर को होगा। थर्ड पॉइंट, ये मैं रिमाइंडर दे रहा हूं आपको, टेंशन और सरफेस टेंशन दो अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स मत कर देना। सरफेस टेंशन एक लिक्विड्स का फिनोमिनन है जो लिक्विड के सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, टेंशन जो है वो वायर्स, केबल्स, रोप्स, स्ट्रिंग्स, थ्रेड्स इनमें होती है, राइट ओके। दो पॉइंट होल्ड कर चुके हैं, टेंशन हमेशा पेयर में होगी, हमेशा दो फोर्स होते हैं, वो आपकी मर्जी है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो उस पे क्या फोर्स लग रहा है मैंने क्या लेना देना, फिर मैं इतने पार्ट पे जो है कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, फिर मैं वो पेयर भूल जाऊंगा कि उधर भी एक फोर्स है क्योंकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे है। जब मैं इसकी बात करूंगा देन आई नीड नॉट टेक दिस टेंशन इनटू अकाउंट, देन आई विल सी ओनली दिस मच इन पिक्चर, उसको हम बोलेंगे अभी करवाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए अब तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, टेंशन इज सेम थ्रू आउट आ वायर, रोप या जो भी है वो स्ट्रिंग हो सकती है, केबल हो सकती है, कुछ भी, एक वायर जितनी मर्जी लंबी 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 हो जाए या मुड़ जाए, देखो मुड़ जाए, मुड़ कैसे, जैसे बेटा यहां पे एक सपोज ना पुली है, ऐसे ड्रॉ करता हूं, यहां पे एक पुली लगी हुई है, और यहां पे है एक बॉक्स, और इधर है एक पर्सन जो कि इस रोप को खींच रहा है अपनी तरफ, जो बंदा मैंने खड़ा किया ना वो रस्सी को ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ, तो पता लग गया होगा बॉक्स किधर को जाएगा, किधर को जाएगा बॉक्स, जाएगा राइट हैंड साइड को, ठीक है ना। तो ये लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है, जितना टेंशन का फोर्स यहां पे है टी, ये बंदा तो पीछे खींच रहा है ना, टेंशन इधर को डेवलप होगी, उतना ही टेंशन बेटा यहां पे भी बनेगा, उतना ही टेंशन यहां पे भी बनेगा और वही टेंशन यहां भी बनेगा। दैट इज व्हाट आई टोल्ड इन दिस पॉइंट, टेंशन इज सेम थ्रू आउट अ वायर, रोप और स्ट्रिंग और केबल जो भी है, उस पूरी की पूरी वायर में आपको मिलेगी हर जगह सेम टेंशन। हाँ वो वायर एक होनी चाहिए, कहीं बीच में
एक और पुली लगा दी, उसके ऊपर एक और वायर चला दी। एक वायर की बात करता हूं, एक वायर, ये एक मान लीजिए पुली है और ये एक वायर है, राइट। तो जब मैं इसको ऐसे खींचता हूं ना इधर से, और ये पुली जो है यूजली क्वेश्चन में दिया होता है कि फ्रिक्शनलेस है, तो जब मैं इस वाले पीस को खींचता हूं ऐसे, तो इसमें टेंशन और इसमें टेंशन बेटा हर जगह सेम रहेगा। सो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मुश्किल नहीं लगने चाहिए, समझा मैंने दिए, साथ साथ में डेमोंस्ट्रेट भी कर दिए। टेंशन पहली बात फोर्स है, जब सरफेस टेंशन की बात आएगी वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। साइड में लिखना, लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सरफेस टेंशन अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो बाद में आएगा। सरफेस टेंशन और टेंशन दो अलग अलग चीजें हैं। सरफेस टेंशन होती है फोर्स बाय लेंथ, पीछे हमने उसके डिमेंशन निकाले थे, फोर्स के डिमेंशन होते हैं एम एल टी माइनस टू, लेंथ से डिवाइड किया एल एल कैंसल, इसके डिमेंशन थे एम टी माइनस टू। जबकि टेंशन के डिमेंशन, हाँ सिंपल इसका भी है टी, कभी कई बार टी लिख देते हैं इसको भी, इसका सिंबल भी टी है, लेकिन आपने वो देख लेना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग टी का मीनिंग होगा, समझ गए, टी का मीनिंग उसके अकॉर्डिंग होगा। चलिए, तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लिक्विड के सरफेस पे एग्जिस्ट करती है। मैं अभी लिक्विड की बात ही नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे फोर्स अलोंग अ वायर जो उसको टाइट रखती है, उस फोर्स का नाम ही टेंशन है। तो टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन हमेशा दो होंगी, एक इधर को लगेगी एक इधर को लगेगी, आपकी मर्जी है। मैंने मान लो पुली का मोशन डिस्कस नहीं करना, तो मैं ये वाले टेंशन नहीं भी दिखाऊंगा तो भी चल जाएगा, मुझे देखना है कि इस बंदे पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इस बॉक्स पे क्या इफेक्ट हुआ। तो मुझे फिर जब बॉक्स की बात करनी है तो बॉक्स पे क्या क्या फोर्स लगे वो देखूंगा, बंदे पे क्या क्या फोर्स लगे वो देखूंगा। उसको हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम आपको फिजिक्स में बहुत हेल्पफुल होगा, क्वेश्चंस को आपको इजी बना के देगा। अगला पॉइंट मैंने बताया, टेंशन ऑलवेज पुल्स, ये टेंशन पुली को पुल करेगी, यही टेंशन इस बंदे को भी पुल करेगी, यही टेंशन इस बॉक्स को भी पुल करेगी, और यही टेंशन इस पुली को फिर से पुल करेगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इस पुली पे कितना फोर्स है, पुली पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू टेंशन, सोच के बताइए। हाँ जी, कुछ बच्चों ने आंसर लिख दिया है चैट बॉक्स में, ठीक है बेटा, बहुत से बच्चों ने आंसर सही दे दिया है, 2T आंसर है। जब एक ऑब्जेक्ट पे दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो, क्योंकि फोर्स वेक्टर है ना, वेक्टर को वेक्टर डिस्टेंस से ऐड करना पड़ेगा, तो या तो कोई एंगल हो थीटा, फिर तो आप लिखते हो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, लेकिन अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो आप लिखते हैं सीधा ए प्लस बी, दो वेक्टर राइट एंगल पे हो तो आप लिखते हो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स ऑल। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इधर एक इधर, फिर ए माइनस बी, माइनस कर लेना उनको, आज भी हम यूज करेंगे वेक्टर्स। चलिए, ये पॉइंट्स एक बार पॉज करके नोट डाउन, अब इसके बाद बताता हूं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन करने के लिए हमें ये दो चीजें लर्न करनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट वॉज कि टेंशन क्या होती है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड सेकंड वी आर स्टार्टिंग विद फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। ये दो चीजें कर लेंगे तो बेटा कनेक्टेड मोशन के सारे क्वेश्चन उसी सॉल्व होते हैं। चलिए, एक्स्ट्रा पार्ट रब कर रहा हूं, नोट डाउन कर लिया होगा, जिसका रहता है वीडियो को पीछे करिए, दोबारा फिर देख लीजिए। ओके, अब मैं बात करता हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, बहुत आसान सी चीज है बेटा। फ्री बॉडी डायग्राम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, हमें जिस ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है,
उसका एक डायग्राम हम अलग से चाहे तो बना लो यहाँ पे साइड में, या अपने दिमाग में बना लो, वो भी चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो हमें पूछा, मान लो कि ये दो मासेस हैं, एक मास है 5 kg और एक मास है 15 kg। इस पे हमने एक फोर्स लगाया 60 N का राइट हैंड साइड को। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन द वायर, यहां पे जो टेंशन लगेगा वो निकालना है। तो इन क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये चलेगा दोनों इकट्ठे, ये नहीं हो सकता कि ये आगे निकल गया ये पीछे रह गया, चलना दोनों को इकट्ठे है, दोनों को सेम एक्सेलरेशन से चलना है, अभी फ्रिक्शन वगैरह कोई नहीं है। तो इस पूरे का जो मास है ना, सारे का टोटल मास, वो है 15 + 5 यानी 20 kg। और सारे ऑब्जेक्ट पे चलना जिसको इकट्ठा ही है, उस पे जो टोटल फोर्स हमें दी गई है वो है 60 N, और भी फोर्स है नहीं। इस पूरे की बात करें, ये पूरा का पूरा 20 kg का है, इस पूरे को हम 60 N की फोर्स से खींच रहे हैं, तो कितना एक्सेलरेशन बनेगा, उसके लिए यूज करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो F इज इक्वल टू ma यूज करो, फोर्स है इक्वल टू 60, मास है इक्वल टू 20, तो बेटा एक्सेलरेशन आ गया 3 m/s². मेरे ख्याल कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, बहुत इजी है। अब मुझे निकालना है कि ये टेंशन T कितना है, इसके लिए मैं ड्रॉ करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले तो मैं लिख देता हूं बॉक्स में कि होता क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम में आ पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम बेटा ये सारे सिस्टम है, सिस्टम के एक पार्ट को इज कंसीडर्ड सेपरेटली, फॉर अप्लाइंग एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करना है उस एक स्पेसिफिक पोर्शन पे, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें एफ मैंने पहले भी कई बार बताया, ये है नेट फोर्स ऑन दैट पार्ट, नेट फोर्स ऑन दैट पार्ट, इस उतने एक पार्ट पे कितने कितने फोर्स लग रहे हैं उन सभी का, यानी जितने भी फोर्स लग रहे हैं ऑल फोर्सेस, इसमें बेटा आएंगे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, उनका वेक्टर सम करके आपको यहां पे डालना है। इंटरनल फोर्स कौन से, जो सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे अप्लाई करता है उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। जैसे 15 kg इस पे फोर्स अप्लाई करता है टी आगे को, 5 kg इस पे फोर्स अप्लाई करता है टी पीछे को, इसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल जो बाहर से लगेंगी, मान लो कि एक मास हमने ना हैंग की हुई है एक धागे के साथ, तो बेटा इंटरनल फोर्स तो होगी इस धागे में जो होगा टेंशन, एक्सटर्नल फोर्स होगी बेटा इसका अपना वेट भी तो होगा ना नीचे को, अगर इसने नीचे को आना है, ये तो नीचे को नहीं आ रही है, ये तो साइड को जा रहे हैं बेटा, इसलिए अभी हमने ग्रेविटी नहीं लिया। मान लो इस मास को अपने पास, मान लो दो मासेस हो, ऐसे एक पुली हो, इस पुली के एक साइड पे हम हैवी मास बांध दें, इधर एक लाइट मास बांध दें, तो हैवी वाली नीचे को जाएगी लाइट वाली ऊपर को आएगी, एग्रीड ना। तो जो ये मैं हैवी वाली की बात कर रहा हूं, इस पे एक फोर्स होगी इंटरनल यानी कि टेंशन का फोर्स ऊपर को, एक इसका अपना वेट भी तो होगा ना ऑब्जेक्ट का, वेट इज एक्सटर्नल फोर्स। तो जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका पहले वेक्टर सम करके नेट फोर्स निकालो, और उस नेट फोर्स को फिर इक्वेट कर दो विद मास एंड एक्सेलरेशन, इससे आपके कनेक्टेड मोशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ दो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम।
शॉर्ट में इसको कई बार हम FBD भी लिख देते हैं। FBD का मतलब भी यही है, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, ये अलग से नोट कर लेना। अगर आप एक फॉर्मूला बुक मेंटेन करते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं उनके पास एक फॉर्मूला बुक भी होती है, फॉर्मूला बुक में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, क्वेश्चन नहीं होते उसमें कोई भी सॉल्व किया हुआ, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, आज मैंने 3 पॉइंट लिखे टेंशन के, वो लिखे होंगे उसके अंदर, उसको बोलते हैं रेडी रेकनर। फटाफट खोला वो वाला पेज और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको वहां से आपने रिवाइज कर लिया। फॉर्मूला बुक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सारे बच्चे बनाएंगे मुझे तो बहुत खुशी होगी, बट सारे बनाते नहीं हैं, जो रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं वो बनाते हैं। और बाद में लॉकडाउन खुलने के बाद मैं चेक भी करूंगा कि आपकी फॉर्मूला बुक में क्या क्या आपने लिखा। पतली सी होनी चाहिए बेटा, बहुत मोटी नहीं, वो पतली मतलब इतनी पतली बेटा देख लो आपके सामने होंगे शायद, मुझे लगता है 50 पेज भी नहीं है इसके अंदर, बहुत पतली सी नोटबुक, इतनी पतली बेटा। इसका बनाइए आप एक फॉर्मूला बुक, उसमें सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले लिख रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर था ना फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, उसके सारे डिमेंशन लिख दो, क्वेश्चन कोई नहीं करना उसके अंदर। चलो अब वापिस आता हूं बेटा अपने टॉपिक पे। अब पॉइंट क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम में हमें सिस्टम के एक पार्ट को ही डिस्कस करना होता है, आपकी मर्जी है चाहे 15 kg को डिस्कस कर लो। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 15 kg मैं ड्रॉ करके दे रहा हूं, मास 15 kg है, इस पे एक फोर्स राइट को लगाई हमने 60 N, एक फोर्स बेटा इतना पार्ट देखना जरा ध्यान से देखो, इतने पार्ट को मैंने रीड्रॉ कर दिया है और एक फोर्स इस पे है ओनली टी, एक टी यहां भी लग रहा है लेकिन वो इस पे लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा, इस पे दो फोर्स है 60 and T। अब बताओ अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, वेरी नाइस, माइनस करते हो। तो आप बेटा एक वेक्टर में से दूसरे को माइनस करोगे। अब क्वेश्चन है कि बड़ा कौन सा है दोनों में से, इस पूरे सिस्टम ने एक्सेलरेट होना है राइट हैंड साइड को, तो 60 N फोर्स बड़ा होगा टी से, तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है। बट जब अप्लाई करोगे तो आपने लिखना है F की जगह नेट फोर्स जो कि 60 - T आएगा, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड को है, देन दिस फोर्स इज ग्रेटर देन टी, तो 60 - T लिख दिया, नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स को इक्वल टू मास यानी 15 * एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं पहले, पूरे सिस्टम ने 3 m/s² से एक्सेलरेट होना है, तो 15 * 3 यानी 45, तो चेक कर लो बेटा टी को राइट पे ले जाओ, 45 को लेफ्ट पे ले आओ, तो टी का वैल्यू आ गया बेटा 15 N, वेरी सिंपल। एक और सिंपल तरीका था और जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर हम 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते, 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम इधर करके देता हूं, वैसे आंसर अपना आ गया, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। 5 kg पे एक ही फोर्स है बेटा आगे को टी, पीछे कोई फोर्स नहीं है, एक ही फोर्स है, तो एक फोर्स का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, वही फोर्स होगी, तो बेटा नेट फोर्स हो गई टी इक्वल टू मास यानी कि 5 * एक्सेलरेशन यानी 3, चेक करो सेम आंसर आएगा बेटा, कोई फर्क नहीं है, आपकी मर्जी है चाहे इसको ले लो, आपकी मर्जी है चाहे इसको ले लो, दोनों सिचुएशन में सेम आंसर आएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा करके दिखाता हूं, उल्टा कैसे करना है, हमें दिया है कि फोर्स 60 N की 15 kg पे नहीं लगाई, वो लगा दी हमने बेटा 5 kg पे, उस केस में क्या आंसर आएगा। आप ये अगला करने से पहले पिछली बार नोट कर लो, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा ताकि लिखने का टाइम बचे, मैं इसी को टचअप कर दूंगा,
इस बार फोर्स 5 kg पे लगा दिया, उतना ही लगा लेते हैं चलो 60 न्यूटन, ताकि आपको थोड़ा पता लगे कि फर्क क्या पड़ा। क्वेश्चन अगेन, फाइन टेंशन टी, अगेन सेम मास 20 kg। बेटा पिछला पहले नोट कर लो, गलत काम मत करना, कहीं कहोगे सर ने सारा कुछ उलझा दिया। पिछला क्वेश्चन पहले क्लोज करो, नोट डाउन कर लो पूरा, पॉज कर लो वीडियो को। इस पर क्वेश्चन को बदलेंगे आप, नए सिरे से करेंगे, उसी में पंगे मत ले लेना आप। मेरे वाला मिट सकता, आपका मिटेगा नहीं। ओके, मास सेम 20 kg, टोटल फोर्स सेम 60 न्यूटन, फोर्स वही वही, मास वही, एक्सेलरेशन। अब यहां पे आ जाओ बेटा, पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ड्रॉ कर रहा हूं 5 kg। 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इस बार लेफ्ट को फोर्स है 60 इस पे, और इस मास पे राइट हैंड साइड को फोर्स है टी। अगेन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, 60 बड़ा है, इस बार एक्सेलरेशन उधर को है, उधर वाला फोर्स बड़ा है, 60 में से टी माइनस किया इज इक्वल टू मास ओनली 5 kg, मास ओनली 5 kg, तो 5 × 3 आया 15, 15 को इधर लेके गए, चेक करो बेटा आंसर बदल गया। तो ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी है फोर्स इधर लगाओ या इधर लगाओ, कि दोनों पर शायद सेम टेंशन आएगा, सेम नहीं आएगा, क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया। ध्यान से देख लिया बेटा आपने, क्वेश्चन का आंसर बदल गया है। हाँ ये भी कर सकते थे, 15 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, अगर उस पे टेंशन टी था लेफ्ट हैंड साइड को, उससे भी आ जाएगा। तो इस बार एक ही फोर्स था यहां पे, इसको हमने टी लिख दिया, फोर्स की जगह टी आ गया, मास की जगह मास आ गया, और एक्सेलरेशन की जगह पे हमने 3 लिख दिया, तो इससे भी आंसर 45 न्यूटन ही आएगा, यानी कि दोनों केसेस में सेम आंसर है। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन दो बार करने से काफी डाउट्स जो है ना माइंड में वो निकल जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब हम पिछला नोट कर लेना बेटा पॉज करके, आप उसके बाद आगे चलना। लिखने की हैबिट बेटा बहुत अच्छी बनानी है, अभी अपना क्लास 11th में है, अभी जो भी हैबिट्स आपकी बन जाएंगी ना वो पक्की हो जाएंगी बेटा। जिस बच्चे को हमने शुरू से बेटा कभी बोला नहीं कि जब उठोगे तो अपना बेड साफ करना है, ये करना है, वो करना है, वो फिर हमेशा बड़ा होकर भी ऐसे करता रहेगा, वो उठेगा बेड पर वैसे छोड़ देगा। और जिस बच्चे को हमने हैबिट डाल दी कि खाना खाने के बाद बेटा ऐसे सो जाओ, ब्रश करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में फिर ऐसे चलेगा बेटा, वो कभी ब्रश नहीं करेगा एंड में जाके। वो तो जब शादी होगी उस लड़के की ना, फिर एक उसकी वाइफ आएगी, वो कहेगी ये कैसा बंदा है भाई, ये ब्रश नहीं करता खाना खाने के बाद, मुंह में स्मेल आ रही है। ठीक है, दीज आर हैबिट्स। तो आपने बेटा हैबिट बनानी है लिखने की, जो कुछ टीचर ने लिखा वो तो लिखना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ टीचर ने ऐसा बोल दिया जो कि यहां बोर्ड पे नहीं लिखा था, वो भी आपने नोट डाउन करना है। नोट्स बनाना भी एक आर्ट है, और वो आर्ट अभी डेवलप हो रहा है आपका, उसको बढ़िया डेवलप करिए, बढ़िया हैबिट्स बनाइए, लिखने की आदत मत छोड़ना। पेपर कैसे होना, लिख के देना बेटा, वहां कौन सा कंप्यूटर पर टाइप करके देना आपको, पेपर आप लिख के ही दोगे ना। तो जिस चीज को बेटा आपने फाइनल शो आपका जो होना है उसका रिहर्सल तो करना ही पड़ेगा। सो अभी रिहर्सल चल रहा है, अच्छी अच्छी हैबिट्स बनाइए, अपने स्टेप्स अच्छे रखिए, जैसे डांस करते हैं अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रखिए। कई बेटा टांग ऊपर को उठाई बंदे ने और इतने में उसकी बेचारे की यहाँ से क्रैम्प पड़ गया, पंजाबी जी कहते नस चढ़ गई, फिर कहा डांस करेगा वो। सो आपका बेटा शो जो है फाइनल वो है +1 +2 के एग्जाम्स, और आपका जेई मेन जेई एडवांस, जो बच्चे मेडिकल वाले हैं उनका नीट का एग्जाम। तो हर स्टेप बेटा अच्छी तरह से तैयार करना है, हर स्टेप को निखारना है। तो आपने यहाँ पे बहुत जरूरी काम है, लिखते रहिए बच्चे बेटा, लिखना बहुत बहुत जरूरी है, डू कीप राइटिंग, आपका काफी ज्यादा परफॉर्मेंस में चेंज आ जाएगा। मैं बाद में बोलता होता हूँ बच्चों को, ना इसका जो मुझे पिक खींच के भेजिए जो आपने नोट्स बनाए आज, तो काफी बच्चे नहीं भेजते,
उसमें क्या किया उसने, वो टीचर का काम थोड़ा आसान कर दिया कि उसको चेक नहीं करना पड़ेगा टीचर को ना, कि उसकी कॉपी है ही नहीं, चेक ही नहीं होनी है, तो टीचर को कम काम करना पड़ा। लेकिन नुकसान किसका हुआ, नुकसान तो बच्चे का हो गया ना। सो प्लीज कीप राइटिंग। चलो अब क्वेश्चन है फाइंड टेंशंस T1 एंड T2। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं इसको। इस बार अपने पास है तीन मासेस, एक मास है 2 kg, 3 kg, 5 kg और फोर्स हमने लगाया 40 N का। दैट इज अ क्वेश्चन। इसमें दो टेंशन निकालने हैं, T1 निकालना है, T2 निकालना है। इसको रब कर देते हैं अभी। चलिए तो सबसे पहला काम वही, टोटल मास कितना, 10 kg, फोर्स कितना 40 N। टेंशन दो है इस बार, यहां पे है सपोज T2 और यहां पे सपोज है T1। बाकी क्वेश्चन में दिया होगा जो भी वो निकाल देना, नहीं दिया आप खुद से अपने नाम रख दो, कोई बात नहीं। टोटल मास आ गया 10 kg, टोटल फोर्स आ गया 40 kg, F इज इक्वल टू ma अप्लाई किया, फोर्स को लिखा 40 और मास को लिखा 10, तो एक्सेलरेशन आ गया 4 m/s². कोई मुश्किल नहीं, इसमें पहले की तरह ही किया है। आप 3 की जगह 4 लगा लेना, एक होमवर्क दूंगा उसमें 4 मासेस होंगे, वो अपने आप ट्राई करना। फिर उसमें T1 T2 T3 सब निकालने हैं। अब एक एक करके पकड़ने शुरू करो, लेकिन इस पर टेक्निक यह रहेगी, या तो सबसे एंड से शुरू कर लो या सबसे स्टार्ट वाला पहले ले लो। देखो अगर सेंटर वाला पहले ले लोगे ना, उस पर 2 फोर्स हैं, आगे को है T2 पीछे को है T1, ना T2 निकला ना T1 निकला, बेटा कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले या तो सबसे एंड वाला ले लो पीस, या सबसे पहले वाला ले लो। एंड वाला लेना जो है वो रिकमेंडेड होता है, उसमें थोड़ा सा इजी रहता है काम, मुश्किल नहीं होगा। मैं एंड की तरफ से चलता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, पहले मैं 2 kg ड्रॉ करता हूं, 2 kg, 2 kg पे एक ही फोर्स है राइट हैंड साइड को T1, पीछे को फोर्स था ही नहीं, बेटा एक ही फोर्स पे तो आसान होगा ना, रिजल्टेंट तो तब निकालना पड़ता है जब 2 या 3 फोर्स हो, 4 फोर्स हो। अगर फोर्स ही है तो क्या रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट निकला पड़ा T1, तो आप लिखेंगे T1 इक्वल टू मास यानी कि 2 kg इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 4, आंसर आ गया 8 N। वेरी सिंपल। लास्ट वाला पीस पकड़ा, इस पे एक ही फोर्स है T1, T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा, T1 का वैल्यू आ गया। अब T2 निकालने के लिए, T2 जो है वो इस पे भी लग रहा है, इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, आपकी मर्जी है। मैं ये वाला निकाल के दिखा रहा हूं, आप ये वाला ट्राई कर लेना अपने आप, लेकिन पेपर में तो एक बार निकालोगे ना, बार बार थोड़ी निकालोगे। T2 पेपर पूछा T1 और T2 निकालिए, तो जहां पे T2 निकले काम खत्म हो गया। लेकिन T2 मैंने बताया निकालने के 2 तरीके हैं, या तो 5 kg का ड्रॉ कर लो फ्री बॉडी डायग्राम, वो आप खुद से करके देखना कि सेम आता है। मैं 3 kg वाला करके दिखा रहा हूं, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg ड्रॉ किया मैंने। 3 kg पे बेटा 2 फोर्स हैं, आगे की तरफ है T2 जो कि निकलना है। इतने पार्ट को ध्यान से देखिए, इस पे आगे को फोर्स है T2, पीछे को है T1, और T1 आप निकाल चुके हैं, T1 इज 8 N, तो T1 को 8 N लिख लीजिए आप। फिर से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब 3 kg पे 2 फोर्स है, T2 आगे को T1 पीछे को, बट एक्सेलरेशन तो इधर को थी ना, तो T2 बड़ा होगा T1 से, तो T2 माइनस छोटे वाला फोर्स यानी कि T1 यानी 8 N इक्वल टू मास यानी 3 kg एंड एक्सेलरेशन कितनी आई थी 4, 4 × 3 आ गया 12। T2 को यही छोड़ दीजिए, 8 को राइट हैंड साइड पे लेके जाइए, 12 + 8 कितना हुआ 20 N, तो दूसरा आंसर भी आ गया 20 N। मेरा ख्याल कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए।
चलिए क्लियर हो गया सारा बेटा, इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं तीसरी कैटेगरी कराता हूं कि जो पुली बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो जो पुली वाला सिस्टम है बेटा, पुली में आपने क्वेश्चन में ना यूजली लिखा होगा पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। पुली क्या करती है, सिर्फ जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना उसको बदल देती है। तो अगर ये पुली है बेटा, तो जितना फोर्स मैं इधर को लगाता हूँ वही फोर्स बेटा इधर भी ट्रांसफर हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि जो गांव में वेल होता है, पानी का एक ही सोर्स होता है मोस्टली गांव में, तो काफी लोग एक ही जगह से पानी भर के लाते हैं, तो वो क्या करते हैं बकेट खींचनी होती है, इधर से रस्सी को खींचते रहते हैं ऐसे ना, तो बकेट ऊपर आती रहती है। पुली जो है वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बदल देता है कि मैं इधर को खींच रहा था पुली को, तो यहां पे वही फोर्स ऊपर को लग जाएगी, इतना ही फर्क है बस। तो पुली जो है वो, क्योंकि वायर या रोप पूरी एक ही होती है, तो जैसे मैंने आपको शुरू में लिखवाया कि पूरी वायर में पूरे रोप में जो टेंशन है वो हर जगह एक ही रहेगा, सेम टेंशन मिलेगा हर जगह, तो आपने वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। अभी जो सिचुएशन है वो ये है, क्वेश्चन की फॉर्म ही आता है बेटा ऐसे, ये 3 मार्क्स का, बस फर्क ये होगा कि कभी कभी क्वेश्चन में ना जो मैंने M1 M2 मास लिखे हैं दो, उसकी जगह पे मास का वैल्यू दिया होता है। जैसे NCERT में क्वेश्चन है एक मास 8 kg का है और एक 12 kg का है, और एक छोटा एक बड़ा होगा ऑब्वियस है, तभी चलेंगे नहीं तो नहीं चलेंगे। तो क्वेश्चन है कि अगर हम उनको एक मासलेस स्ट्रिंग से जोड़ दें दोनों मासिस को, और वो जो स्ट्रिंग है उसको एक पुली के ऊपर से पास कर दें ऐसे, और इन दोनों मासिस को छोड़ दें, तो छोड़ने में क्या होगा, जो हैवी वाली है वो नीचे को आएगी, लाइट वाली ऊपर को चढ़ेगी। तो उन मासिस का हमने एक तो एक्सेलरेशन निकालना है, इसी फॉर्म में आता है क्वेश्चन जब भी आएगा, या फिर मासिस की वैल्यू गिवन होगी, और दूसरा में निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग के थ्रू आपने जोड़ा था मासिस को उसमें स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। चलो पहले बनाना है इसका एक सूटेबल डायग्राम। तो ये बेटा हो गई आपकी पुली, दोनों साइड से सपोर्टेड होती है तो कुछ ऐसी दिखेगी, ये पुली होगी। पुली के दोनों एंड्स पे एक रोप इधर चली गई, एक इधर चली गई, एक पीस अपना ज्यादा मास वाला था उसका मास मैं M1 लिख देता हूं, एक कम मास वाला है उसकी मास को हम M2 लिख देते हैं, थोड़ा छोटा ड्रॉ कर देते हैं उसको। अब जैसे इन मासेस को छोड़ेंगे तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा और वायर में टेंशन कितना होगा, दो क्वेश्चन है। तो पहले तो सारे फोर्सेस मार्क कर लो। अगर इस पे बेटा वेट है M1g नीचे को, वेट के लिए mg लिखते हैं ना, मास इनटू a मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, इसका वेट थोड़ा कम होगा, थोड़ा छोटा वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने M2g। टेंशन आपको बताया जब तक वायर एक है, जब तक सिंगल वायर है तो पूरी की पूरी वायर में आपको मिलेगा सेम टेंशन। तो जितना टेंशन इस वायर में है उतना इसमें भी है। हाँ, टेंशन मैंने बोला था ऑलवेज पुल्स, वो टेंशन इसको भी पुल करेगी ऊपर को, वही टेंशन इसको भी पुल करेगी ऊपर को। वैसे टेंशन यहां भी है, यहां भी है, लेकिन मुझे क्योंकि पुली का मोशन नहीं डिस्कस करना तो कुछ बुक्स में ये वाले टी नहीं भी ड्रॉ किए होते, वो भी चल जाएंगे। हमें जो फ्री बॉडी डायग्राम है ना वो एक इस मास का ड्रॉ करना है और एक इस मास का ड्रॉ करना है। कारण बड़ा सिंपल है बेटा, दो अननोन है ना इस बार, एक्सेलरेशन और टेंशन, उसके लिए कम से कम दो इक्वेशंस होगी तभी सॉल्व होगा ना। चलिए एक्स्ट्रा पार्ट अभी कर देता हूं। ओके, अब दोनों ऑब्जेक्ट्स M1 M2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उससे अपने पास कुछ इक्वेशंस आएंगी, बस उन इक्वेशन को सॉल्व करना और आंसर निकल आएगा, काम तो इतना ही।
तो पहला पॉइंट मैंने यूज कर दिया, पूरी वायर में सभी जगह मिलेगी 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 सेम टेंशन, डन हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि जो पुली है उसकी ना मास है ना उसका कोई फ्रिक्शन है, तो ये एक मोशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता किसी भी तरह का। हाँ, एक चीज और जो वो ये है कि एक्सेलरेशन बेटा एम वन का अगर ए नीचे को है तो एम टू का एक्सेलरेशन ए ऊपर को होगा। वैसे क्या होता था, वैसे ही होता था जब दो कनेक्टेड मासेस हैं तो ये मास अगर राइट को जा रही है तो ये भी राइट को जाती थी। अब ये यू की बजाय बेटा यू हो गया, तो अगर ये नीचे को आएगी तो इसको ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा ना, ऐसे मोशन होगा। तो एक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, दूसरे का एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, लेकिन एक्सेलरेशन होगा दोनों का सेम, दोनों को सेम एक्सेलरेशन से ही चलना है। चलो अब मैं बात करता हूं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, पहले एम वन का ड्रॉ कर लेते हैं। एम वन पे ऊपर को फोर्स है टी, नीचे को फोर्स है एम वन जी, तो वही सेकेंड ऑफ मोशन अप्लाई करना है, एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करना है, इक्वेशन आएगी। अच्छा, कौन सा फोर्स बड़ा होगा दोनों में से, इस केस में कौन सा फोर्स बड़ा होगा दोनों में से? वेरी नाइस, एम वन जी बड़ा होगा क्योंकि नीचे को एक्सेलरेशन है, तो बड़े वाले को पहले लिखना बेटा, ध्यान रखना। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस होते हैं रिजल्टेंट के लिए, ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया इक्वल टू मास, लेकिन मास है एम वन, एम वन की बात हो रही है, इन टू ए, ये इक्वेशन वन हो गई। इसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम टू भी ड्रॉ कर लो बेटा, मैं थोड़ा स्पेस बचाने की कोशिश करूंगा। एम टू पे टी ऊपर को और इसका वेट एम टू जी नीचे को, वेट डाउनवर्ड्स टी अपवर्ड्स, टी सेम है दोनों साइड पे। अब बताओ इक्वेशंस क्या होनी चाहिए बेटा, इसके लिए ऐसी इक्वेशन लिखनी है, क्या लिखोगे, कौन सा वेक्टर पहले आएगा, इसका एक्सेलरेशन किधर को है, अपवर्ड्स, तो इन दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा? वेरी नाइस, टी बड़ा होगा, तो टी को आगे लिखेंगे, एम टू जी को पीछे लिखेंगे, तब बात बनेगी। हाँ, राइट पे तो वही लिखना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मत लेकिन मास एम टू की आएगी। दो इक्वेशन आ गई, बस अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके टी भी निकलेगा, इन दो को सॉल्व करके ए भी निकलेगा। चलो पहले सबसे पहले इनको ऐड करते हैं ताकि टी कैंसल आउट हो जाए, थोड़ा कैमरा डाउन कर देते हैं, दिख जाएगा आराम से, अब ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो मेरा माइनस टी प्लस टी कैंसिल, इन दोनों में कुछ कॉमन है, वेरी नाइस, जी मैंने कॉमन लिख दिया, एम वन आएगा पॉजिटिव और एम टू आएगा नेगेटिव, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, इसमें भी कुछ कॉमन है, बहुत अच्छे, ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एम वन प्लस एम टू ऐड करना है ना, ये भी ऐड हुए लेकिन इसका साइन माइनस था, तो आप पहचान के होंगे फिर एक्सेलरेशन क्या आएगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू होल इंटू जी, बहुत अच्छे। अच्छा, फॉर्मूले को मैंने बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स में इसलिए डाल दिया कि आपने फॉर्मूला जो है उसको आपने अपने फॉर्मूला बुक में लिखना है अलॉन्ग विद डायग्राम। एक फॉर्मूला और निकालूंगा अभी टेंशन का। देखो जब तो क्वेश्चन आएगा स्कूल में थ्योरी क्वेश्चन, एक मास 8 केजी के 12 केजी की, तो यहाँ पे एम वन को आप 12 लिख देना, एम टू को 8 लिख देना और सॉल्व कर देना कि एक्सेलरेशन क्या है। लेकिन यही क्वेश्चन आपको मैं सेंड कर रहा हूँ अभी होमवर्क, थोड़ी देर में होमवर्क में जब क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा, नीट के एग्जाम में आएगा, तो वहां पे थोड़ी पूरा सॉल्व करने बैठेंगे बेटा, पूरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वहां पे तो टाइम बेटा एक मिनट में एक क्वेश्चन करना है। जो नीट का एग्जाम है ना, मेडिकल स्टूडेंट्स का एग्जाम,
नीट के एग्जाम में बेटा टोटल आने हैं 180 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, तो 180 क्वेश्चन हो गए। और 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में कितने मिनट, 180 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिला, 1 मिनट मिला। बेटा मैं अभी टाइम नोट कर रहा हूँ, ये जो मैंने सेकंड पार्ट शुरू किया है अभी, इसमें मुझे 10 मिनट निकल चुके हैं, ठीक है चलो 2 मिनट बातों के माइनस कर दो, चलो जो मैंने डिस्कशन किया 8 मिनट लग गए बेटा, 8 मिनट लग रहे हैं जब मैंने आपको समझाना है सारा कुछ, ठीक है। आप थोड़ा और स्पीड से करोगे आप 5 मिनट में कर लोगे ऐसे लिख के, तो बेटा 5 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे किधर को जाओगे आप, नहीं, तो आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, तो वहां पे स्टेट में फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है, एक मास 12 kg, एक 8 kg, 12 - 8 ओवर 12 + 8 इनटू जी का वैल्यू जो गिवन होगा, पुट किया काम खत्म और एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन नहीं पूछेंगे वहां पे, ओनली एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। 2-3 क्वेश्चन सेट कर रहा हूं आपको, निकाल पाएंगे आप आराम से, उसमें स्टेट में फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए आगे चलता हूं, अब अगला पार्ट रह गया कि टेंशन कितनी आनी है। टेंशन के लिए आप इनमें से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ो, उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू डालो, लेकिन धीरे धीरे करना। नोट करने का एक तरीका और भी है, वो तरीका है नोट करने का ये कि आप पहले क्वेश्चन को समझ लो सारा, आपने वीडियो पूरा देख लिया, इसका वीडियो को पॉज करिए और आप अपने तरीके से इसको लिखना शुरू करिए अपने आप। क्वेश्चन समझ आ गया, इसको यहां से चेपा मत मारिए, कॉपी पेस्ट मत करिए, आप सिर्फ पेस्ट पेस्ट करिए, कॉपी अपने दिमाग में जो भी है आपका उसको यूज करके ये इक्वेशन लिखो, अपने आप सॉल्व करो, डायग्राम अपने आप ड्रॉ करो, फिर बेटा ओरिजिनल से मैच कर लो कि मेरे में कहां पे कमी है। एक रिवीजन आपका क्लासरूम में ही या अभी इस वीडियो के दौरान ही हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो, फिर जिस दिन पेपर होगा उस दिन कम जोर लगाना पड़ेगा, आराम से निकल आएगा फिर ना। चलिए अब ए का वैल्यू डालना है, इक्वेशन नंबर 2 में मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि 2 में ना टी का साइन पहले ही पॉजिटिव है, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इक्वेशन 2 से मैं लिख रहा हूं टी इक्वल टू एम टू को इधर लेके आए, एम टू इंटू जी प्लस एम टू इंटू ए, एम टू कॉमन, जी प्लस ए, कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए इसमें, एम टू कॉमन, जी प्लस ए। चलिए अब ए का वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, ए का वैल्यू हमने निकाला m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू जी, चेक कर लो ये लिखा था बेटा, ए का वैल्यू पुट कर दिया इसमें और इसमें जी फिर से कॉमन है, जी को फिर बाहर निकाल लिया, यहां बचा 1, यहां पे बचा m1 - m2, नीचे बचा m1 + m2, कोई मुश्किल नहीं है, स्टेप्स में आराम से हो जाएंगे, इक्वल टू m2g, LCM आ गया m1 + m2, सही है। देखो LCM के बाद एक m1 + m2 इधर लिखोगे ये वाला, और एक इसके ऊपर था m1 - m2, m2 नेगेटिव, m2 पॉजिटिव, कैंसिल, बस आंसर आ गया बेटा, चेक करो m1 दो बार आ गया, तो मैं लिखूंगा 2m1, एक यहां पे m2 आया इंटू m2 इंटू जी भी लिखना है, डिवाइड बाय क्या करना है, m1 + m2, सो सिंपल। सारे स्टेप्स फिर से बता रहा हूं, जो पुली है वो सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करती है, एक वायर में पूरा हर जगह सेम फोर्स सेम टेंशन रहेगा, तो जितना टी इस पे लगना है उतना टी इस पे भी लगना है, टेंशन ऑलवेज पुल्स, इसको भी पुल करेगी इसको भी पुल करेगी, वेट तो ग्रेविटी कारण होता है, वो तो नीचे को ही होता है, बट m1 बड़ा था m2 से, इसलिए m1g फोर्स वॉज लार्जर, m2g वॉज स्मॉलर, सो m1 वॉज गोइंग टू कम डाउनवर्ड्स वेयर एज m2 वुड गो अपवर्ड्स, तो जो फोर्स बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, नेट फोर्स लिख लेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
तो इसका मास था m1, एक्सेलरेशन था a डाउनवर्ड्स, तो हमने m1g पहले लिखा। फिर हमने सेकंड मास को कंसीडर किया, उसमें टेंशन जो है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड्स था तो टेंशन वुड हैव बीन मोर देन द वेट, तो हम t में से m2g माइनस कर दिया हमने, अगेन इक्वल टू m2 इनटू एक्सेलरेशन। तो tg किया कैंसिल ऐड करने पे, इन दोनों में से gg कॉमन, m1 माइनस m2 आ गया, इधर aa कॉमन, m1 प्लस m2 आ गया। a निकालना था, m1 प्लस m2 को डिनोमिनेटर में ले गए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। t निकालने के लिए आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो, यहां से भी आ जाएगा यहां से भी आ जाएगा, बट दिस इक्वेशन वॉज प्रेफरेबल बिकॉज t वॉज ऑलवेज ऑलरेडी पॉजिटिव, m2 g टू बी टेकन ऑन राइट हैंड साइड, m2 m2 कॉमन सब्स्टिट्यूटेड फॉर a, g g अगेन कॉमन, एंड दिस पोर्शन ऑन सॉल्विंग गिव्स m1 प्लस m2 इन LCM, दिस वन कम्स टू न्यूमरेटर एज m1 प्लस m2, एंड दिस टर्म एज इट इज m2 m2 कैंसल, 2m1 इंटू m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। अब दो क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूं एज होमवर्क, वो क्वेश्चन आपने मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप करने हैं, और ये जो सारा टेक्स्ट है आज का जो भी आप नोट डाउन करेंगे वो भी आज ही 9 o'clock तक व्हाट्सएप करेंगे। जिसका नहीं आया उसके पेरेंट्स को मैं कॉल करूंगा कि आपके बच्चे ने होमवर्क आज का सबमिट नहीं किया है। चलिए पहला क्वेश्चन फॉर होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 बुकलेट में पेज 63 पे। तो क्वेश्चन है टू मासेज ऑफ 8 kg एंड 12 kg आर अटैच्ड, हमने अभी m1 m2 किया था उसकी जगह पे 8 kg और 12 kg है, तो सेम इक्वेशंस m1 की जगह बेटा 12 kg डालते रहना और m2 की जगह पे 8 kg डालते रहना, तो सेम वे सॉल्व होना है, लेकिन ये इस क्वेश्चन जो है वो स्कूल एग्जाम में आने वाला है, तो स्कूल एग्जाम में दैट मींस आपको जिस मेथड से मैंने करवाया आपको अभी उसी मेथड से सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क पे 67 पे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो एक्सेलरेशन निकालनी है आपको और डायरेक्टली m1 m2 का वैल्यू आप जो हमने एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाला जो अभी बॉक्स में लिखा हुआ था डायरेक्टली उसमें वैल्यूज पुट करिए। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दैट इज पेज नंबर अगेन 67, ये थर्ड होमवर्क है आपका, गुस्सा नहीं करना थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। इसमें आपको m1 m2 का रेशियो निकालना है, अब एक्सेलरेशन दी हुई है तो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करिए, लेकिन a को g by 8 पुट कर देना और उसको थोड़ा सा रीमॉडिफाई करके इक्वेशंस को m1 by m2 का रेशियो निकालिए कि क्या आंसर आता है। अब शिफ्ट होते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज होमवर्क, That is on page number 73. इसमें आपको तीन मासेस दिए हैं रिस्पेक्टिवली 4 kg, 2 kg एंड 1 kg, इन पे भी एक फोर्स लगाया हमने 40 N। इसमें निकालना है आपको फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट, तो क्वेश्चन सिमिलर ही है, यहाँ पे जो रस्सी बांधी हुई थी या जो स्ट्रिंग बांधा हुआ था पहले हम पुल कर रहे थे, पुलिंग में जो एक दूसरे को फोर्स मिलता है वो मिलता है थ्रू टेंशन, यहाँ पे फोर्स मिलता है एक दूसरे को थ्रू कॉल्ड फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, एक ब्लॉक दूसरे पे फोर्स लगाता है कॉल्ड एक्शन, दूसरा ब्लॉक पहले वाले पे वापस लगाता है रिएक्शन, तो होना उसी तरह से ही है सेम वे में, सिंपली जो फोर्सेज ऑफ टेंशन थे T1 T2 उसकी जगह आपने फोर्सेज ऑफ कॉन्टेक्ट लिख लेने हैं F1 F2। ट्राई करिए, अगर हो गया बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, दैट इज ऑल फॉर टुडे, और इस लेक्चर को नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस टाइम। वीडियो पसंद आया हो, समझ आ गया सारा, तो लाइक कर दीजिए, अपने फेलो फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट फ्यूचर अपडेट्स ऑटोमेटिक आते रहे।
हैव अ गुड डे।